Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, and I welcome you all to this revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials, UGC Online Mantra, where students from all over India can get quality education absolutely free of cost. Here we are providing you the complete and full-fledged coachings of various competitive exams like UGC, CTET, PTET, KVS, Master Cadre, Management Trainees, ETT, NTT, BEd Entrance, and much more. 100% free of cost. So students, you all don't need to spend even a single penny of your hard-earned money on paid coachings or webinars, paid live classes, paid study material or study contents, paid books, etc. All you need is to subscribe this channel and get all complete coachings absolutely free of cost. I started this channel on 1st April 2020 and till now I taught you the complete topics of research aptitude and teaching aptitude of UGC paper 1, and after that I started communication, which is the 4th unit of UGC paper 1, in which I covered various topics like the meaning of communication, its features, process of communication, 7 C's of effective communication, different types of communication, barriers of communication, and different ways to overcome these barriers. So now, as per this channel's trend, I bought 25 previous year questions of these topics which we covered this whole week. So let's start with the presentation and discussion of these questions one by one. So please watch the screen, and first question you are watching on the screen is diadic communication is, या diadic, यहाँ पे DYADIC diadic communication होना चाहिए या फिर DIDACTIC, तो ये एक ही बात है. diadic communication कौन सी है इसमें से? intrapersonal communication है, interpersonal communication है, organizational communication है या relational communication है? तो ये बिल्कुल एक factual question है. जब मैंने आपको different types of communication कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि diadic communication जो है वो किसका दूसरा नाम है, वो नाम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या? जो टू और मोर पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हैपन होती है. सो ये बिल्कुल फैक्चुअल है. अगर आपने मेरी टाइप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, उसमें जितने भी टाइप्स हैं सारी मैंने कराई हैं, कोई भी मैंने उसमें छोड़ी नहीं है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वो क्वेश्चन वन क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो डायडिक कम्युनिकेशन किसका दूसरा नाम है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेशन में क्या है एक्चुअली? सो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, नॉन वर्बल कोड है, वर्बल कोड है, सिंबॉलिक कोड है या आइकॉनिक कोड है. तो मैंने आपको बोला था वर्बल एंड नॉन वर्बल, अगेन ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती है? वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स और लैंग्वेज होती है. ठीक है जी. जहाँ पे वर्ड्स और भाषा या लैंग्वेज हो, ठीक है जी, जहाँ पे हम रिटन और ओरल फॉर्म में कम्युनिकेशन करें वो वर्बल है, जिसमें वर्ड्स नहीं हैं, बिल्कुल कोई लैंग्वेज नहीं है. ठीक है जी, ओरल रिटन नहीं है, वर्ड्स नहीं है, वो कौन सी है? नॉन वर्बल. और यहाँ भी उसने क्या पूछा है कि लैंग्वेज क्या है कम्युनिकेशन में, तो बिल्कुल ये कौन सा है? ये वर्बल कोड है. ठीक है जी. बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? आता है वर्ड्स और लैंग्वेज. तो क्या है लैंग्वेज, क्या है भाषा, क्या क्या है? वो वर्बल कोड है, जिसमें ओरल रिटन जो है वर्ड्स हम जो हैं के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक है जी. तो बाकी आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज कोड कौन सा है? वो वर्बल कोड है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज. ठीक है जी. अगर कोई मैसेज हमने भेजा है तो उसकी जो रिसीविंग एंड है, जहाँ पे रिसीवर ने रिसीव करना है, वहाँ का मेजर बैरियर, पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस का बैरियर ने उसने जनरली नहीं पूछा, उसने एक एंड पे कि रिसीवर के एंड पे जो मेजर बैरियर है वो कौन सा हो सकता है. ठीक है जी. स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिसीवर के एंड से बैरियर. तो आप देखिए ऑप्शंस, ऑडियंस एटीट्यूड मीन्स ऑडियंस रिसीवर ही हो गए ना, मतलब जिसको आप जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस या रिसिपियंट या रिसीवर एक ही बात होगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे ऑडियंस एटीट्यूड है, ऑडियंस नॉलेज है, ऑडियंस एजुकेशन है, ऑडियंस इनकम है. ठीक है जी. तो ये जो नॉलेज, एजुकेशन, इनकम, इसका तो रिसिपियंट का या रिसीवर का कोई, इससे हमारा जो है बैरियर क्रिएट नहीं होता रिसिपियंट के एंड पे. हाँ, उसका जो एटीट्यूड है. ठीक है जी. एटीट्यूड क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है
तो जो रिसीवर है उसका एटीट्यूड ही पहले नेगेटिव है सेंडर के प्रति, तो क्या होगा, वो जितना मर्जी अच्छी कम्युनिकेशन सेंडर उसको प्रोवाइड करे, जितनी मर्जी अच्छे स्टाइल से एक्सप्रेस करे अपने व्यूज़ थॉट्स, लेकिन अगर उसका रिसिपियंट का एंड का अगर उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव है या एटीट्यूड बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, रिसेप्शन ऑफ द मैसेज विल डेफिनेटली हिंडर। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे जाके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, 25 टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको आज डिस्कस करवाने हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या क्या करवाया है इस वीक करवाया है मैंने आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसकी टाइप्स, उसके बैरियर्स, ठीक है जी, ये सारा कुछ कराया है, 7 C's कराई हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कराई हैं, टोटल कम्युनिकेशन का प्रोसेस कराया है, ये सब कुछ कराया है, ये सारे टॉपिक्स में से ही जो है आज के क्वेश्चंस निकल के आएंगे। सो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब उसने एक कम्युनिकेशन का जर्नल प्रोसेस नहीं पूछा, जर्नल जो है लॉजिकल सीक्वेंस नहीं पूछा, उसने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है वो एक सीक्वेंस पूछा है। ठीक है जी, एक लॉजिकली जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग जो है ऑप्शंस हैं, देखिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम है, सारी ऑप्शंस में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन क्या है उन वो जंबल्ड वे में दिए हुए हैं, और एक राइट सीक्वेंस है वही हमने ढूंढना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जा रही है, जिसमें सबसे पहले क्या है, अब देखो साइंस हैं, सिम्बल्स हैं, कोड्स हैं, कलर्स हैं, इसमें कुछ वर्ड्स तो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ लैंग्वेज तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नॉन वर्बल के ही है, लेकिन उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन देखिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, साइंस सबसे पहले क्या आए, क्यूज, साइंस। ठीक है जी, कुछ हमने छोटा सा उसका हिंट या क्यू या साइन जो है मिला हमें, उसके बाद जो है उसको हमने सिंबल के थ्रू जो है वो समझाया, जब सिंबल के थ्रू समझाया उसके बाद उसका कोई ना कोई कोड डेवलप किया, जब कोड डेवलप किया उसके बाद उस कोड में कुछ जैसे कलर्स हैं कुछ भी हमने डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो ड्रॉ करके या फिर कुछ कलर्स को के साथ उसको समझाना है, लेकिन वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, ड्राइंग करके कलर्स के हिसाब से। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस बन जाता है, पहले साइंस आएंगे छोटे लेवल पे, उसके बाद सिंबल्स यूज़ होंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कोड्स यूज़ होंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कलर्स यूज़ होंगे, तो ये राइट सीक्वेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अब ये ऑड वन आउट है, कम्युनिकेशन में कौन सी ऐसी अगर आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है जो कनेक्टेड नहीं है कम्युनिकेशन के साथ, किसी भी एंगल से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, ए ऑप्शन देखिए यहां पे कहा है मीडियम इज द मैसेज। ठीक है जी, यहाँ पे मीडियम मीडिया नहीं है, चैनल नहीं है, मीडियम क्या है, लिंक, लिंक क्या है सेंडर रिसीवर में, वो मीडियम लिंक क्या है, वो मैसेज ही तो है, मैसेज ही हमने जो है वो सेंड और रिसीव करना है, तो ये बिल्कुल ठीक है कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से। द होल वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कुकून, यस, आजकल का जो वर्ल्ड है ये क्या है, हम कहते हैं ना कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। ठीक है जी, क्यों है, क्योंकि इसमें नेट है, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ आपस में नेटवर्कड है, तो ये भी ठीक है, कम्युनिकेशन आजकल नेटवर्कड हो गई है, इंटरनेट के थ्रू हो गई है। ठीक है जी, और ऑनलाइन तकरीबन सारी कम्युनिकेशन हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है, तो वर्ल्ड इज द इलेक्ट्रॉनिक कुकून, यस, इट इज़ द राइट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फॉर्मेशन इज पावर, यस ऑब्वियसली कोई भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अ रियल पावर इन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहा है टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल, टेलीपैथी, अब ये टेलीपैथी का कई बार जो है वो स्टूडेंट्स को मीनिंग ही पता नहीं होता, पहले तो मैं आपको टेलीपैथी का मीनिंग बताती हूँ तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो टेलीपैथी इज टू नो व्हाट इज समवन्स एल्स माइंड, इट मींस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अबाउट अदर पर्सन विदाउट लिसनिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम हिम, कहने का मतलब है कि अगर हम क्या करेंगे कि किसी भी पर्सन, उसने कुछ मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं किए, कुछ मुझे उसने कोई मैसेज नहीं दिया, लेकिन मैं उसके बिना कुछ कहे पहले ही मैं अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन लगाकर उसको पहले ही जज कर लूँगी वो क्या कहने वाला है, किसी की बोलने से पहले ही मैं जज कर लूँगी वो क्या कहने वाला है, तो ये क्या है, एक टेलीपैथी होती है। ठीक है जी, ये क्या होती है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है। ठीक है जी, तो
क्या जो ये टेलीपैथी है टेक्नोलॉजिकल है? नो, टेक्नोलॉजी तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है ही नहीं है, इसमें क्या है, हमारी ब्रेन पावर है जी, ठीक है जी, हमारा खुद का माइंड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क कर रहा है कि किसी के कहने से पहले ही उसको समझ जाए। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये क्या है, ये हमारी इंट्यूशंस होती हैं, हमारी प्लीज परसेप्शंस होती हैं। तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद दी कम्युनिकेशन, ठीक है जी। और ये स्टेटमेंट अपने आप में भी गलत है कि टेलीपैथी इज़ टेक्नोलॉजिकल, ठीक है जी, तो वो टेलीपैथी टेक्निकल नहीं है। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर है ऑड वन आउट के परस्पेक्टिव से, जो कम्युनिकेशन का रिलेटेड नहीं है वो है टेलीपैथी इज़ टेक्नोलॉजिकल। तो यहाँ पे वैसे कम्युनिकेशन आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत हम 5 क्वेश्चंस तो पक्के ही आने और हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा नॉलेज थोड़ी सी हो तो हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन जितना सिंपल लगता है दिखता है उतना ही टिपिकल क्वेश्चन इसमें से आते हैं UGC पेपर में और अदर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो डाला जाता है पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको बहुत केयरफुली कीजिएगा। द मेजर बैरियर्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इंडिविजुअल्स। वहाँ वो अब ये कह रहा है, बैरियर का क्वेश्चन फिर से आ गया, कहता जो मेजर बैरियर है ट्रांसमिशन में, कौन सी ट्रांसमिशन में, कॉग्निटिव डाटा की ट्रांसमिशन में। कॉग्निटिव डाटा की ट्रांसमिशन क्या होती है, कॉग्निटिव डाटा कौन सा होता है, जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो, हमारे इंटेलेक्चुअल पार्ट से, हमारी ब्रेन पावर से रिलेटेड हो, ऐसा मैसेज की ट्रांसमिशन जो है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है एन इंडिविजुअल्स। तो क्या हम सोच के करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे लेवल की इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन जो है उसकी ट्रांसमिशन के लिए सबसे बड़ा बैरियर, ठीक है जी, जो बहुत ही इंटेलिजेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बाधा जो है वो किस तरह से आ सकती है इंडिविजुअल के पार्ट पे, सेंडर के पार्ट पे। देखिए पर्सनैलिटी सेंडर की पर्सनैलिटी जैसी मर्जी हो, अगर उसने अच्छे से एक्सप्रेस किया है तो कम्युनिकेशन में हिंडरनेस आ नहीं सकती। पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो हिंडर करे, ठीक है जी। क्योंकि बेसिकली एक्सपेक्टेशन किसको होती है, पहले रिसीवर को होती है कि मुझे किस तरह का मैसेज मिल रहा है, और जब वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा, उस केस में हम जो सेंडर एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन बिफोर फीडबैक सेंडर के मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सोशल स्टेटस, हम अमीर है गरीब है, सेंडर जो है जिसने मैसेज देना है, कॉग्निटिव डाटा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट मैसेज देना है, उसमें उसकी अमीरी गरीबी भी कोई काउंट नहीं करती। डी ऑप्शन है कोडिंग एबिलिटी, यस इसका ऑप्शन डी है। क्यों, बिकॉज जो भी हमने एज अ सेंडर हमने मैसेज पहुंचाना है उसको हम क्या करें, उसको कोड मतलब एनकोडिंग, मैंने आपको प्रोसेस भी कराया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूर वीडियो देखिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एनकोडिंग है, एनकोडिंग कौन करता है, सेंडर करता है, ठीक है जी। अब क्या करता है उसमें, अगर वो अब जो भी मैसेज देना है अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करेगा, ठीक है जी, तो वो जो है दूसरे को समझ नहीं आएगी वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर उसकी कोडिंग जो भी मैसेज दे रहा है वो बिल्कुल शॉर्ट सिंपल प्रिसाइज करके और उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करे तो क्या है उसका वो ट्रांसमिशन जो है या वो बैरियर कभी नहीं बन सकता। तो उससे क्या है कम्युनिकेशन बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगी। तो यही है कि मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एन इंडिविजुअल्स कोडिंग एबिलिटी के ऊपर जो है वो बैरियर ना होना डिपेंड करता है। अगर उसकी कोडिंग एबिलिटी, अगर वो कम्प्लेक्स भाषा यूज़ करता है तो बैरियर होगा, अगर वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके टिपिकल लैंग्वेज में ना जाए, सिंपल वर्ड्स में समझाए कम्युनिकेशन जो भी मैसेज है, तो उसमें क्या है बैरियर कभी भी अराइज नहीं होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बहुत टिपिकल कई बार ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जो हमें समझ नहीं होती है तो फिर आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये एक्चुअली आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, ये मैंने खुद नहीं बनाए हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनको प्रैक्टिस करना, सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्या है हमें
क्योंकि हमारा क्या होता है कि सिर्फ पढ़ के हम ये हमें अगर ये नहीं पता होगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स आइडियाज एंड मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज रेफर्ड टू एज। अब वो कहता है कि हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल साइंस में उसको ट्रांसफॉर्म करें, उस कला को क्या बोलते हैं, उस कला को, इसमें आप ऑप्शंस भी ना देखिए, अगर आपने प्रोसेस किया होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इसको एनकोडिंग बोलते हैं। एनकोडिंग क्या होती है कि जो सेंडर ने मैसेज देना है उस मैसेज को, उस थॉट को, उस आइडिया को, ठीक है जी, थॉट्स और आइडियाज़ किसके पास होते हैं, सेंडर के पास, जो उसने जो है नेक्स्ट एंड पे देने होते हैं। तो ठीक है, थॉट्स और आइडियाज़ को वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस में या एनकोडिंग करके, कोडिंग करके उसकी भेजना, तो उसको क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ दी राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए क्या सपोर्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए, या फिर मल्टीकल्चर इन्वायरमेंट। देखिए वैसे तो सारे इन्वायरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल गुड गुड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब एक हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढनी है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सोशल इन्वायरमेंट शुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव, बिकॉज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, चाहे मल्टीकल्चरल है, वो सोशल इन्वायरमेंट में तो होता है, सोसाइटी में सारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो सोशल इन्वायरमेंट इज़ अ वास्ट कंसेप्ट, इसमें सारा कुछ ही आ गया कि अगर आपका सोशल इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है आपको, उसमें कल्चर भी हो गए, उसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी हो गई, उसमें जो है इकोनॉमिक चीज़ें भी सब कुछ आ गई, तो सोशल इन्वायरमेंट जो सपोर्ट करता है तो आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। तो इसका आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होती है जी, सो ये किसी भी पब्लिक इवेंट पे की जा सकती है। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सनलाइज्ड वेज में नहीं चलती, पब्लिक के साथ, ठीक है जी, डीलिंग करते हैं या पब्लिक इवेंट पे जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कोई पॉलिटिकल मीट है, ठीक है जी, अगर पॉलिटिशियंस हैं वो भाषण दे रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो भी एक काइंड ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी कोई पेरेंट पीटी मीट पे जा रहा है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जा रहा है, तो वो भी पब्लिक कम्युनिकेशन है, बिकॉज टीचर जो है इंटरेक्ट कर रही है डिफरेंट पेरेंट्स से, वो भी पब्लिक है, वो पब्लिक कम्युनिकेशन की निशानी हो सकती है। और एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिसेप्शन पे जा रहा है किसी स्कूल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, फ्रंट डेस्क है, रिसेप्शन है, उस पे जाके कोई हम इंक्वायरी दे रहे हैं, इंक्वायरी जो है वो पूछ रहे हैं, वो भी क्या है, एक इट्स अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। तो पब्लिक कम्युनिकेशन वो क्या है, कहता है इट टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर। अब यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, या फॉर्मल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। अब पब्लिक कम्युनिकेशन में हमेशा जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी, टीचर की, पीटीएम की, ठीक है जी, पॉलिटिशियंस की, रिसेप्शनिस्ट की, इंक्वायरी डेस्क की। तो यहाँ पे जितने भी हम हैंडल करते हैं पब्लिक इंक्वायरीज में, पब्लिक के साथ बात करते हैं, उसमें हम फॉर्मल होके बात करते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। सो पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इनफॉर्मल नहीं होके फॉर्मल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो है वो चलनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट करते हैं, कम्युनिकेशन विच विद वन सेल्फ इज नोन एज, ये भी फैक्चुअल है, अपने आप से बातें करना कौन सी कम्युनिकेशन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया। ये आपने, मैंने आपको पूरा, अगर वो वीडियो देखी होगी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने आपको पूरी समझाई थी। तो ये क्या है, इसका बी, इसका जो है वो डी ऑप्शन है। इट इज़ इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज दी डी ऑप्शन, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये फिर से क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, प्रोसेस क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं आपको, जो है सीक्वेंस दिया हुआ है, लेकिन जो राइट सीक्वेंस है आपने चूज करना है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज कम्युनिकेटर सबसे पहले होता है, कम्युनिकेटर होता है जो सेंडर होता है, ठीक है, जिसने मैसेज सेंड करना है, उसके बाद वो क्या करता है, वो मैसेज जो है वो भेजता है किसके थ्रू, फिर मीडियम के थ्रू भेजता है, पहले मैसेज, पहले कम्युनिकेटर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर
वो मीडियम सेलेक्ट करता है, मीडियम सेलेक्ट करने के बाद रिसीवर तक के एंड तक कम्युनिकेशन पहुंचती है, उसके बाद उसका इफेक्ट मतलब रिस्पॉन्स या फीडबैक देखा जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ जर्नलाइज्ड वे। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कैन बी ऑल्सो इक्वेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो है वो किस डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो आपको स्क्रीन के ऊपर दी हुई हैं, किस कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट भी हम कह सकते हैं। इक्विवेलेंट मींस बिल्कुल पैरेलल जो है या बिल्कुल इक्वल कह सकते हैं। देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज वो बिल्कुल एक बंदा अपने आप से बातें कर रहा है, ठीक है जी, तो वो बिल्कुल गलत हो गया। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मींस टू और मोर पर्सन, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है मतलब विद इन अ ग्रुप, ठीक है जी, कुछ 15-20-25 बंदों का ग्रुप है। ग्रुप कैन बी स्मॉल ग्रुप, ग्रुप कैन बी लार्ज ग्रुप, ठीक है जी। और या फिर क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है। मास कम्युनिकेशन तो पूरे लार्ज लेवल पे होता है, जहाँ पे पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, तो इस तरह से वो मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सपेक्टिव नहीं पड़ता, ना ही इंट्रापर्सनल का पड़ता है, ना ही इंटरपर्सनल का पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम इन चारों में से ऑप्शंस में बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के इक्विवेलेंट जो है वो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो जा सकती है, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना था, तो ढूंढ लिया। ग्रुप कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्विवेलेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स डिकोडर। अब कम्युनिकेशन क्या है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सर्कुलर, बार बार जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सर्कुलर वे में चलती है। तो वो कहता है सर्कुलर कम्युनिकेशन में एनकोडर बिकम्स डिकोडर। जो एनकोडर है मतलब जो सेंडर है, ठीक है जी, वो डिकोडर मतलब क्योंकि सेंडर का काम है एनकोडिंग करना। अब सेंडर कब एनकोडिंग के बाद वो डिकोडिंग कब करता है, डिकोडिंग कब करता है, जब उसको फीडबैक मिलती है, ठीक है जी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है जी। नॉइस तो कोई इसका लेना देना नहीं है, ऑडियंस कोई इसके साथ लेना देना नहीं है क्वेश्चन का। क्रिटिकली तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, तो मतलब डी, कि एनकोडर जो है वो डिकोडर कब बनता है, जब सर्कुलेट हो रही है कम्युनिकेशन, ठीक है जी, जब फीडबैक आती है तो एनकोडर जो है वो डिकोडर बन जाता है, बिकॉज उसने रिस्पॉन्स जो रिसीव किया रिसिपियंट से उसको फिर से अपने शब्दों में जो है डिकोड कर लिया। तो यहाँ पे फीडबैक इज द राइट आंसर। सो ब्रेक डाउन इन द वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, ये बहुत एक बिल्कुल, अब इसमें क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक चीज़ बोली है कि अगर वर्बल कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन आ जाए तो वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है जी। वर्बल कम्युनिकेशन मींस जहाँ पे वर्ड्स इन्वॉल्व है, लैंग्वेज इन्वॉल्व है, अगर उसमें ब्रेक डाउन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शंस चार हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द राइट वर्ड फॉर दी फॉर डिस्क्राइबिंग एज द ब्रेक डाउन इन द वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज एंट्रोपी होती क्या है, मोर फ्रीक्वेंट एरर्स इन द वर्बल कम्युनिकेशन। एंट्रोपी का मतलब है कि फ्रीक्वेंटली वर्बल कम्युनिकेशन में एरर्स आ रहे हैं। तो एरर्स क्या हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं, एरर्स ब्रेक डाउन करते हैं ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो एंट्रोपी है, ये एक डेफिनेशन है एंट्रोपी की। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज दी ब्रेक डाउन ड्यू टू दी डिफरेंट फ्रीक्वेंट हैपनिंग ऑफ एरर्स इन दी वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या है, डी। शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ठीक है जी, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, अनइवननेस भी नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। जिसको ये एंट्रोपी का मतलब पता होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपके एक और टर्म क्लियर हो जाती है कि एंट्रोपी क्या है, इट इज़ दी ब्रेक डाउन इन दी वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। अब देखिए ये भी आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ गया। अब देखिए कहता है एक सिंगल मोड से बहुत ही लार्ज लेवल पे, लार्ज लेवल के रिसिपियंट से लार्ज लेवल पे जो है वो कम्युनिकेशन हैपन हो रही है। और सबसे ज़्यादा लार्ज लेवल पे, मास लेवल पे कम्युनिकेशन कौन सी वाली होती है, इसकी मुझे सारी ऑप्शंस बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मास कम्युनिकेशन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिकॉज जो कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर सोर्स से ट्रांसमिट होकर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक जाती है, लार्ज कवरेज ऑफ एरिया जो है वो कवर करती है, तो वो कौन सी है, वो मास कॉम है, मास कम्युनिकेशन है। तो बी आंसर इज़ राइट
राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब आपने प्रिंसिपल्स भी किए थे सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देखी उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल्स और सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कराए थे. अब उसके बेस पे क्वेश्चन देखिए आ गया. वो कहते हैं इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नहीं है. ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर आप चार ऑप्शंस देख रहे हैं लेकिन साथ में नीचे आंसर भी देख रहे हैं. थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अब थर्ड में क्या है, वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपको मैंने पहले ही बताया था जब हमने मीनिंग डिस्कस किया था, प्रोसेस डिस्कस किया था कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं हो सकती. वन वे कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज अधूरी, बिल्कुल अधूरी होती है, इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट. ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि जहाँ पे सेंडर जो है वो बात करते जा रहा है, कम्युनिकेट करते जा रहा है, रिसीवर के एंड से कोई भी उसको फीडबैक या रिस्पांस नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है. तो जहाँ पे कम्युनिकेशन पूरी ही नहीं हो रही तो वो कौन सा प्रिंसिपल ऐसा हो सकता कम्युनिकेशन का जो वो एप्लीकेबल हो, तो नहीं हो सकता. ठीक है जी, बाकी जो अगर ऑप्शन डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑप्शन है कन्विंसिंग और पर्सुएसिव डायलॉग. ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेशन हम करते हैं, ये प्रिंसिपल है. पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, ये भी प्रिंसिपल है. स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की बात करें, ग्रेप वाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है जी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं. तो हर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि थोड़ी सी चीज़ें, थोड़े से माइन्यूट लेवल पे हमें थोड़ा सा इनफॉर्मल, थोड़ी सी कम्फर्ट जोन में भी जाकर कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है, करनी भी चाहिए. तो ये भी जो है एक स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ, मतलब हम कैसी रणनीति बनाते हैं इनफॉर्मल होके भी फॉर्मल बात को पहुंचाने की, या किसी भी तरह की बात को पहुंचाने की, ये भी क्या है, स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, दैट इज़ वन वे ट्रांसफर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज, बिल्कुल अब यहाँ पे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, मैंने आपको नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया कि ग्रेप वाइन का दूसरा नाम क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया. अब स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है, अब आपने ये देखना है कि कौन से, अब आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिपिक्ट करते हैं. ठीक है जी, ए ऑप्शन क्या है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस. ऑब्वियसली ठीक है, हमारा कोई थॉट है, आइडिया है, फैक्ट्स है, ओपिनियंस है, कुछ भी है, वही तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है. बिल्कुल ठीक है, ये सही है. तो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. यस, इन्फॉर्मेशन मैसेज भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ये भी सही आंसर है. कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस ये भी सही है. कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर प्रोसेस, यस ये भी सही है. इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो डिपिक्ट करती हैं फीचर्स, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन को. तो आइए अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखें जहाँ पे ए बी सी डी सारे ही हों. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है जी, तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया अजर्शन और रीजनिंग की फॉर्म में. बहुत आजकल आ ही रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस अजर्शन और रीजनिंग की फॉर्म में. अब ये देखते हैं कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है. पहले अजर्शन देखते हैं. अजर्शन क्या दिया हुआ, एक स्टेटमेंट दी हुई है, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है, क्या वो फास्ट और फ्लेक्सिबल होती है? नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी फास्ट नहीं हो सकती, उसमें फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है. उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसी सबॉर्डिनेट ने अपने सुपीरियर से या अपने बॉस से बात करनी है, ठीक है, अपनी कोई ग्रीवियंस बतानी है या कोई किसी भी ऑफिशियल मैटर में बात करनी है, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, मतलब फटाफट से जाके उसके कैबिन में बोल नहीं देगा. क्या करेगा, पहले देखेगा अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, वो फ्री है कि नहीं है, या अगर रिटर्न लेटर भी लिखनी है, राइट करके अपनी ग्रीवियंस बतानी है, कोई मैटर बताना है, तो रिटर्न में भी टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी किसी भी मैसेज को पहुँचाने के लिए, चाहे वो अपवर्ड मैसेज पहुँचाना है, चाहे वो डाउनवर्ड मैसेज पहुँचाना है, किसी भी वे में मैसेज पहुँचाना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में
फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, वो कभी भी फास्ट नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल गलत है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। हाँ, अगर यहाँ पे ये होता कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, तब ये सही होता, बिकॉज जो इनफॉर्मल है, ग्रेप वाइन है, वो तो एक गॉसिपिंग की तरह है, वो आग की तरह फैलती है, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और किसी भी वे में हम आराम से किसी भी हेजिटेशन के ना करते हुए, हेजिटेट ना करते हुए हम किसी भी टॉपिक पे कभी भी बात कर सकते हैं, तो वो फास्ट और फ्लेक्सिबल है, ना कि फॉर्मल। तो ये बिल्कुल गलत है। रीज़न देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। यस, ये सही है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो ये सही है, लेकिन ये गलत है। अब ये देखते हैं इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। यस, फोर्थ ऑप्शन में ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे बिल्कुल फोर्थ आंसर जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस अदर देन स्पीच इज नोन एज। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही ये अब मैंने आपको बताया भी था, ऐसी कौन सी टर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहाँ पे हम स्पीच नहीं सुनते, जो वर्ड्स या कुछ भी जो स्पीकर स्पीच दे रहा है वो बिल्कुल उस स्पीच के ऊपर नहीं जाते, लेकिन अलग कंसेप्ट्स के ऊपर जाते हैं। कौन से कंसेप्ट्स के ऊपर? उसकी टोन देख रहे हैं, उसकी स्पीच की पिच देख रहे हैं, टोन देख रहे हैं, ठीक है जी, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशंस देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ठीक है जी। तो वो कौन सा टर्म है जो ये गिवन स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज़ थर्ड, पैरा लैंग्वेज। सो पैरा लैंग्वेज क्या है? दिस इज़ दी पैरा लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच वी कैनॉट गो ऑन द स्पीच और वर्बल कोड और लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, बट वी ओनली एम्फसाइज ओनली एंड ओनली एम्फसाइज द वॉइस मॉड्यूलेशंस, टोन्स, पिच, दिस काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है? पैरा लैंग्वेज इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन है वो किससे इफेक्ट होती है, वो होती है जी, यहाँ पे आंसर आप देख रहे हैं फोर्थ आंसर, मतलब कंटेक्स्ट, बिल्कुल सही। अब आप ये सोच रहे होंगे रिसेप्शन से भी तो हो सकती है, ट्रांसमिशन से भी तो हो सकती है, नॉन रेगुलेशन से भी हो सकती है, हर तरह से हो सकती है, लेकिन मेरी बात सुनिए, कंटेक्स्ट सबसे पहले होता है, जो ओरिजिनेशन होती है किसी भी कम्युनिकेशन की वो कंटेक्स्ट और कंटेंट होती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी कम्युनिकेशन की ओरिजिनेशन जो है, ठीक है जी, उसकी उत्पत्ति जो है वो कंटेक्स्ट एंड कंटेंट से होती है, क्योंकि अच्छा कंटेंट क्या होता है पहले ये सुनिए, कंटेंट क्या होता है? जो मैटर हमने जिस मैटर को देना है, जिस मैटर को कम्युनिकेट करना है, वो कंटेंट है, ठीक है जी। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट मतलब कि जिस बारे में बात करनी है, जिस विषय में बात करनी, जिस बारे में बात करनी है वो कंटेक्स्ट है, जिस संदर्भ में बात करनी है वो कंटेक्स्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं शुद्ध हिंदी भी बोल रही हूँ, कुछ ऐसे हिंदी के स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है जी, तो कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कंटेक्स्ट है, और जो कंटेंट है वो मैटर, वो जिस मतलब जो मैटर हमने प्रोवाइड करना है वो कंटेंट है, ठीक है जी। तो वो कहता है हर तरह की कम्युनिकेशन सबसे पहले मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा कंटेक्स्ट, बिल्कुल। अगर हमें विषय ही नहीं पता होगा किस विषय में बात करनी है, तो ये जो रिसेप्शन है, ट्रांसमिशन है, नॉन रेगुलेशन है, ये बाद की चीज़ें हैं, बाद में आती हैं चीज़ें, ठीक है जी। नॉन रेगुलेशन, रिसेप्शन, वो भी दूसरे एंड पे रिसेप्शन, वो बाद में आती है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो भी बाद में आता है, नॉन रेगुलेशन भी बाद में आता है। सबसे पहले क्या आता है? किस विषय में बात करनी है, तो ओरिजिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन इज कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स कंटेक्स्ट, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी, मैंने बहुत डिटेल में जाके हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स। हाँ जी, कम्युनिकेशन पार्टनर्स को किस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट है किसी भी कम्युनिकेशन के पार्टनर को चूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो फर्स्ट वन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। हाँ जी, हम कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन पार्टनर को चूज़ करने में,
ठीक है जी, वो अफेक्ट करते हैं बिल्कुल, हमारी लोनलीनेस इफेक्ट करते हैं बिल्कुल। अगर हम लोनली हैं तभी तो हम पार्टनर, वी आर लुकिंग फॉर द पार्टनर बिल्कुल। यूटिलिटी, हाँ जी, कोई यूज़फुल है हमारे पास आइडिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उस कम्युनिकेशन की कुछ कुछ यूज़फुल है, यूटिलिटी है, तभी हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, पार्टनर चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि प्रॉक्सीमेट, क्लोजनेस, ठीक है, जो हमारा अच्छा फ्रेंड है, जो जिससे हम हमारी बनती है, जो क्लोज़ है हमारे। देखिए होता क्या है, अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ की बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी से भी डिस्कस नहीं करने चले जाते, हम क्या करते हैं किसी अपनी बेस्ट फ्रेंड से या अपने मदर से या जो हमारे बहुत क्लोज़ है उसी से डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, मतलब पार्टनर की चॉइस के जो फैक्टर्स हैं वो फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है कि प्रॉक्सिमिटी देखकर, यूटिलिटी देखकर, लोनलीनेस देखकर जो है कम्युनिकेशन पार्टनर जो है हम चूज़ करते हैं। अगर बी सी और डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड्स आए हुए हैं, जो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड किसी भी ऑप्शन में आ जाएं तो ऑप्शन वो गलती हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब सेकंड ऑप्शन में सीक्रेसी है, अगर सीक्रेसी मेंटेन करनी तो कम्युनिकेशन पार्टनर चूज ही क्यों करना, क्यों पार्टनर, हमने क्यों कम्युनिकेट करना, कुछ हिडन ही रखना है, तो ये भी गलत है। डिसोनेंस आ जाता है, डिसोनेंस का मतलब होता है कि हम किसी, हमारी माइंड की डिसहारमनी या टेंशन, कोई टेंशन है, डिसहारमनी है माइंड में, ठीक है जी, कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, या कुछ और भी मतलब कन्फ्लिक्ट इन माइंड, उसको डिसोनेंस कहते हैं, तो ये भी नेगेटिव टर्म है। सेकंड ऑप्शन नहीं आ सकती, थर्ड ऑप्शन नहीं आ सकती, वहाँ पे भी डिसोनेंस आ गया, सीक्रेसी आ गया, फोर्थ ऑप्शन में भी डिसोनेंस आ गया, डेवियंस आ गया, डिससिमिलरिटी आ गया, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन पार्टनर को चूज़ करने के फैक्टर्स में। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन फर्स्ट है, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। आई होप आप, ये देखिए बहुत टिपिकल टर्म्स है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज जितना कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही वास्ट कंसेप्ट कम्युनिकेशन है उतना ही हम उसको ईजिली ले लेते हैं, ईजिली नहीं लेना, इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज़ सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। हाँ जी, ये मैंने आपको जब वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कराया था, वहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर वर्बल एंड नॉन वर्बल में ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव और ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर कम्युनिकेशन देखे तो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है, बिल्कुल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन हैपन विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, बट वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोनों में से अगर प्रेफर करनी हो तो कौन सी करेंगे, ऑब्वियसली जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, और वो किसका है, वो नॉन वर्बल मैसेजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको एक डायग्राम भी शो किया था अपने वीडियो में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की वीडियो मैंने लॉन्च की थी, उसमें एक डायग्राम शो किया था कि 10% जो है वो वर्ड्स का इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन में, और फिर 65-75% हमारे पोस्चर्स का, हमारे जेस्टर्स का, बॉडी लैंग्वेज का, मतलब कि नॉन वर्बल का इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब दोनों में से प्रेफरेंस देखा जाए तो वर्बल नॉन वर्बल में जब कॉन्ट्राडिक्शन हो तो मोस्टली प्रेफर क्या करते हैं लोग, मोस्टली किस में बिलीव करते हैं, किस में बिलीव करते हैं लोग, वो नॉन वर्बल मैसेजेस में बिलीव करते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। हाँ जी, सारे के सारे पीपल क्या हैं, कलीग्स हैं, इक्वल स्टेटस के हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सबकी डेजिग्नेशन सेम्स हैं, ठीक है। सो विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच कंटेक्स्ट। तो इस कंटेक्स्ट में, मतलब ये सिचुएशन जो आ रही है, इसमें कौन सी, अगर इक्वल स्टेटस है, कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर आपने, आपको पता है टाइप्स आपने सुनी हैं, ठीक है जी, तो सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है, यस, वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम लेवल पे, सेम लेवल की जो डेजिग्नेट्स हैं, या सेम लेवल पे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, या सेम लेवल पे कोलीग्स हैं, इक्वल स्टेटस के जो हैं वो पर्सन्स हैं, और उनमें बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो राइट आंसर इज़ फर्स्ट, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का सेकंड नेम क्या था, मैंने आपको बताया था, हाँ जी याद कीजिए माइंड में, यस, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का सेकंड नेम है लेटरल कम्युनिकेशन, LATERAL, लेटरल, जहाँ पे आपको, अगर सपोज यहाँ पे लेटरल, हॉरिजॉन्टल की जगह लेटरल लिखा होता तो लेटरल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। तो हॉरिजॉन्टल लिखा हो या लेटरल लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग,
ठीक है जी, कई बार हमें पता ही नहीं होता इसका सेकंड नेम भी होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेरी सारी वीडियोस देखा देखा कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, ठीक है जी। सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, अब ये जनरल क्वेश्चन है कि एक कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स हैपन हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए चार ऑप्शंस हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आंसर भी इसका फर्स्ट ही है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मॉरलाइजिंग, कि पहले कुछ मॉरल निकाल लेना, मतलब कम्युनिकेशन अभी पूरी हुई नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई, पर पहले मॉरलाइजिंग कर लेना, मतलब पहले कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल देना, या कम्युनिकेशन हैपन होने से पहले ही उसका मॉरल निकाल लेना, ठीक है। जैसे स्टोरी का मॉरल, स्टोरी सुनी नहीं, मॉरल पहले निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है बिकॉज कम्युनिकेशन तो पूरी नहीं हुई। इससे क्या है, इससे जो है वो अगेंस्ट या फिर फाइटिंग कंसेप्ट्स क्रिएट होंगे, बैरियर्स कंसेप्ट क्रिएट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बींग जजमेंटल। हाँ जी, प्री कंसीव्ड नोशन है, हम पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं, अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी चीज़ों से हम अनुमान लगा लेते हैं। सेंडर जो है वो, उसने पहले अनुमान लगाया कि रिसीवर बड़ा खड़ूस है, रिसीवर अनुमान लगा रहा है कि सेंडर जो है बड़ा अग्रेसिव है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो कहेगा वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं तो कम्युनिकेशन करूँ ही क्यों। तो ये भी बैरियर हो सकता है, जजमेंटल, हम पहले जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, वो जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन में, ठीक है जी। प्रॉपर सुनना चाहिए, समझाना चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, ठीक है। एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है कि हम दुखी, मतलब हम बहुत ही दुख प्रकट कर रहे हैं, या दुखी होकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो है वो हम क्यों दुखी होकर कम्युनिकेट करें, हम अच्छे से एक्टिवनेस से और खुशी खुशी जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। कोई भी ऐसा कमेंट ऑफ दुखी होकर कोई कमेंट पास नहीं करेंगे जो अगले को हर्ट हो जाए। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑप्शन में तीनों ही वर्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं, और तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर बन सकते हैं, ठीक है जी। सो मॉरलाइजिंग, बिग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन कैन बी द थ्री बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, बट अगर नेक्स्ट अगर डिस्कस करें, सेकंड ऑप्शन डायलॉग है, समरी है, सेल्फ रिव्यू है, ये कोई हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है जी। सिंपल वर्ड्स, यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन, डिफेंसिव एटीट्यूड, ये भी कोई बैरियर क्रिएट नहीं करता। पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कंटेक्ट, सिंपल नरेशन, ये भी कोई बैरियर क्रिएट नहीं करता। मतलब सारे के सारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सारे जो वर्ड्स हैं वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, सारे के सारे जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कम्युनिकेशन को हेल्दी ही बनाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन में मॉरलाइजिंग, बींग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन है, वो किसी भी कम्युनिकेशन में बाधा या हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्टेकल डाल सकते हैं, तो ये बैरियर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए, और आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कम्युनिकेशन बहुत टिपिकल है, 5 क्वेश्चंस पक्का आते हैं पेपर में। अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगी है पेपर क्रैक करने में, तो ज़रूर प्लीज़ जो है आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें और सारी वीडियोज़ देखें। सारी वीडियोज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारा जो है मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है और हम आगे से आगे वीडियोज़ डाल सकें, आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, आपके अच्छे अच्छे जो है मार्क्स में या अच्छी परफॉर्मेंस में मदद कर पाएँ। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे चैनल्स, दूसरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको भी ये चैनल जो है वो आप रेफ़र करें, ताकि बिल्कुल 100% फ्री कोचिंग है। और मैंने अभी तक क्या करवा दिया आपको, UGC में कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड करवा दिया, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया, कम्युनिकेशन का यहाँ तक का पार्ट करवा दिया। नेक्स्ट मंडे को मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्च करूँगी, नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन का। एंड हमने नया जो है वो कोर्स वो भी चलाया है, CTET PTET KVS का, जो CTET PTET KVS और अदर टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें हमने 3-4 वीडियोस जो हैं अभी इंट्रोड्यूस करी हैं सीटेट पेपर के लिए, टेट पेपर्स के लिए, केवीएस के लिए, तो वो प्लीज़ उनको भी देखें, ठीक है जी, और उनको भी लाइक करें आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस, एंड बाय बाय फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।